अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब लोग। चलिए दोस्तों, लेके आ गए हूँ आप लोगों के लिए एक जबरदस्त वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ मिड रेंज कैटेगरी की एक ऐसी सस्ती चीपेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस के बारे में कि जिस कंपनी की तरफ से ये डिवाइस पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च होने वाली है, किसी ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये कंपनी इतनी जल्दी इतना ज्यादा ग्रो कर जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ टेक्नो फैंटम एक्स की। काफी देर से हमें टेक्नो फैंटम एक्स के लीक्स और रूमर्स मिल रहे थे, बट अब इस चीज को टेक्नो की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया कि ये डिवाइस बहुत ही जल्दी के मार्केट में लॉन्च होने वाली है। और अब तो हमें इन्फिनिक्स की जीरो एक्स की भी लीक्स मिलना शुरू हो चुकी है, और यही वजह है कि इन्फिनिक्स के यूजर टेक्नो के यूजर इन दोनों ही डिवाइसेस को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड है। टेक्नो ने टेक्नो फैंटम एक्स का एक प्रोटोटाइप मॉडल भी रिलीज किया, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये डिवाइस बहुत ही जल्दी पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च होने वाली है। और इस प्रोटोटाइप मॉडल से हमें इस डिवाइस के डिजाइन के बारे में भी पता चल चुका हुआ है, इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस कंफर्म हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो में हम इस डिवाइस के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं कि डिवाइस का कैसा डिजाइन होने वाला है, डिवाइस के आप लोगों के स्पेसिफिकेशंस पार्ट की गई हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के डिवाइस की क्या प्राइसिंग होने वाली है और कब तक ये डिवाइस पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च की जाएगी। तो सब कोई डिटेल में बताऊंगा, पर वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन आइकन जो देगा उसको तो बाकी जरूर पिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, टेक्नो की ये जो फैंटम एक्स डिवाइस है पाकिस्तान की मार्केट में सबसे सस्ती चीपेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस होने वाली है मिड रेंज कैटेगरी के अंदर, क्योंकि मिड रेंज सीरीज के अंदर जब ये डिवाइस पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च की जाएगी ना, तो जो स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को आज की इस वीडियो में इस डिवाइस के बारे में बताने वाला हूं, वो किसी और कंपनी ने आप लोगों को इतनी कम प्राइस के अंदर प्रोवाइड नहीं की। तो जान लेते हैं वो स्पेसिफिकेशंस क्या है, टेक्नो ने यहां पे क्या काम जो है सर अंजाम दिए, जिसकी वजह से टेक्नो के यूजर फैंटम एक्स को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और नॉन यूजर्स भी जो है टेक्नो के यूजर है वो भी इस डिवाइस को लेने का सोच है। तो वो क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उनको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इस डिवाइस का डिस्प्ले देखें, 6.7 इंचेस का स्क्रीन साइज दिया गया है, 1080p पिक्सल रेजोल्यूशन वाला एक फुल HD+ पैनल दिया गया है। अगर आप इस पैनल को गौर से देखें तो इस पैनल की साइड्स पर आप लोगों को कर्व्ड एजेस दिखाई दे रहे होंगे। इतना ही नहीं, इस डिवाइस के डिस्प्ले के अंदर आप लोगों को सुपर एमोलेड डिस्प्ले की रेजोल्यूशन प्रोवाइड की गई है, और इसके साथ साथ डिस्प्ले हाई रिफ्रेश रेट 90Hz को भी सपोर्ट करता है, और स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की है। अब पाकिस्तान के मार्केट में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि 50,000 से कम प्राइस टैग के अंदर आप लोगों को कर्व्ड एजेस सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 90Hz का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रही है, और साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो भाई इस डिवाइस की जो डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन है ना, उस हिसाब से ये डिवाइस काफी ज्यादा बीस लग रही है, और यही वजह है कि टेक्नो के जो यूजर्स है ना वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है टेक्नो फैंटम एक्स को लेके। फर्दर मूव ऑन होते हैं और इस डिवाइस की डिजाइन लैंग्वेज और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को इस डिवाइस की डिजाइन लैंग्वेज और बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज़रा पसंद आने वाली है। इस डिवाइस के बैक लुक डिजाइन तो जरा चेक करें, इस डिवाइस की अगर बैक बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी बैक बिल्ड क्वालिटी क्लास की रखी गई है, और ये पाकिस्तान के मार्केट में कुछ उन मोबाइल्स में शामिल हो जाती है जो कि आप लोगों को 50,000 से कम प्राइस टैग के अंदर बैक पे ग्लास की बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और मिड रेंज कैटेगरी के अंदर प्रीमियम डिवाइसेस ऑफर कर रहे हैं। तो टेक्नो की ये जो डिवाइस है काफी हद तक आप लोगों को प्रीमियम लुकिंग वाली डिवाइस वाली लुक प्रोवाइड करने वाली है, वो वाली फील प्रोवाइड करने वाली है, और इस डिवाइस के कैमरास भी काफी ज्यादा आउटक्लास होने वाले हैं। बैक पे ट्रिपल लेयर कैमरास को लगाया गया है, और टेक्नो की कैमन सीरीज के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कैमन सीरीज जो है ना वो काफी हद तक कैमरा सेंट्रिक सीरीज है, और टेक्नो ने कैमरास के ऊपर काफी ज्यादा काम किया, और इस डिवाइस की कैमरा क्वालिटी भी काफी ज्यादा आउटक्लास होने वाली है। ऑलमोस्ट इस डिवाइस की कैमरा क्वालिटी टेक्नो के कैमन 17 से भी ज्यादा अच्छी होने वाली है। टेक्नो ने अभी तक जितनी भी डिवाइसेस को पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च किया है उन सबसे ज्यादा अच्छी कैमरा क्वालिटी आप लोगों को टेक्नो की फैंटम एक्स के अंदर देखने को मिलने वाली है। वो इसीलिए क्योंकि इस वर्ष के बैक कैमरे में जो आप लोगों को मेन कैमरा दिया गया है वो 50 MP का है, और ये एक वाइड का कैमरा है। यहां पे जो सेंसर यूज किया गया है सोनी का फ्लैगशिप सेंसर यूज किया गया है, यही वजह है कि इसकी कैमरा क्वालिटी काफी ज्यादा आउटक्लास होने वाली है। साथ ही यहां पे जो दूसरा कैमरा लगाया गया है वो 13 MP का एक टेलीफोटो लेंस है, और तीसरा कैमरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगाया गया है। तो यहां भी कोई भी कैमरा नंबरिंग गेम नहीं खेलेगी, यहां पे आप लोगों को 2-2 MP का कोई कैमरा नहीं लगाया गया, ना ही कोई रेलू कट्टे कैमरे को इंक्लूड किया गया, यहां पे वही कैमरा लगाया गया जिनकी एक्चुअल में यूजर को नीड होती है। सेल्फी क्यूटर की बात की जाए तो इस वर्ष का डिस्प्ले देख सकते हैं, पिल शेप के अंदर आप लोगों को 2-2 सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किए गए, जिसमें 48 MP का आप लोगों को मेन कैमरा दिया गया वाइड का, और जो दूसरा कैमरा लगाया गया वो 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा है। तो यानी कि फ्रंट साइड की सेल्फी के अंदर भी आप लोगों को अल्ट्रा वाइड एंगल के कैमरे की सपोर्ट मिल जाती है। अब बात की जाए इस वर्ष की वीडियो क्वालिटी की आउटपुट की, तो बैक कैमरे में आप लोगों को मैक्सिमम 4K की वीडियो क्वालिटी मिलने वाली है, और साथ 30 और 60 FPS दोनों के फ्रेम
फ्रेम रेट मिलने वाले हैं। नॉर्मली ये क्या होता है कि मोस्टली स्मार्टफोन के अंदर 4K की क्वालिटी दी जाती है, तो आप लोगों के साथ 30 FPS के फ्रेम रेट मिलते हैं, बट ये डिवाइस 60 FPS को भी सपोर्ट करती है। अब अगर फ्रंट साइड के कैमरे से अगर आप लोग वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम आप लोगों को 1080p की वीडियो क्वालिटी मिलेगी और साथ 30 FPS के फ्रेम रेट मिल रहे होंगे। तो भाई कैमरा लवर के लिए ये डिवाइस काफी ज्यादा जो है ना एक बीस डिवाइस होने वाली, क्योंकि इस डिवाइस की कैमरा क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है और ये डिवाइस काफी हद तक गेमर्स के लिए भी बनाएगी, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर MediaTek का Helio G95 का चिपसेट लगाया गया, एक 12 नैनोमीटर फैब्रिकेट चिपसेट। और इससे पहले हमने ये डिवाइसेस के अंदर जो चिपसेट लगाया गया इस डिवाइस के अंदर वो काफी अदर कंपनीज के डिवाइस के अंदर ऑलरेडी देखा हुआ है, तो हमें पता है कि G95 के अंदर हमें कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। जो CPU आप लोगों को ऑक्टाकोर मिल जाता है और GPU लगाएगा मालिक का G72। आउट ऑफ द बॉक्स ये डिवाइस एंड्रॉइड 11 की सपोर्ट के साथ आएगी, सारी टेक्नो की HOS की 7.6 के आप लोगों को लेटेस्ट UI की सपोर्ट मिलने वाली है। रैम और रोम ब्रांड की बात करूं तो इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को 8GB की रैम मिलेगी और साथ 256GB की स्टोरेज मिलेगी। पाकिस्तान के मार्केट में जो होता है ना अक्सर 8 और 128 वाला कॉम्बिनेशन भी आ जाता है, तो मोस्ट ऑब्वियसली शायद इसका भी 8 और 128GB वाला कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च किया जाए। फर्दर जैसे कोई और भी कंफर्मेशन आती है इस वॉइस को रिलेटेड तो मैं एक अपडेटेड वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। उसके लिए मेक श्योर आप लोगों ने यह करना है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लें, ताकि हमारे वीडियो को कोई भी नोटिफिकेशन आए तो वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा, आपने हमारे नोटिफिकेशन को यहाँ पे ऑन किया होगा। तो अब बात करते हैं इस वॉइस की बैटरी कैपेसिटी की, तो इस वॉइस के अंदर आप लोगों को 47 mAh की काफी बड़ी बैटरी मिलने वाली है और इसको चार्ज करने के लिए आप लोगों को बॉक्स के अंदर ही 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलेगा और जो चार्जिंग पोर्ट मिलेगी वो टाइप सी की होगी। और इसी के साथ आप लोगों को इस वॉइस के अंदर डुअल सिम की सपोर्ट मिलने वाली है, जहां पे एडेड हम 2 SIM कार्ड और 1 memory card भी लगा सकते हैं। तो भाई ये ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है टेक्नो फैंटम एक्स की, जो कि कंफर्म हो चुकी है। इन्हीं सारी स्पेसिफिकेशन के साथ टेक्नो फैंटम एक्स बहुत ही जल्दी पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च होने वाला है। अब बात करते हैं कि भाई इस वॉइस की प्राइसिंग क्या होने वाली है। जहां तक प्राइसिंग की बात है तो लीक्स और रूमर्स के काफी हद तक कंफर्म किया जा रहा है कि ये डिवाइस 40,000 के पास पास ही आने वाली है पाकिस्तान के मार्केट में, क्योंकि G95 का चिपसेट लगाया गया तो यहां से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक भी मिल जाती है। कभी इसके अंदर थोड़ा अच्छा चिपसेट लगाया जा सकता था, बट इसीलिए नहीं लगाया गया कि भाई इसकी प्राइस हाई चली जानी थी और टेक्नो को लगता है कि भाई अभी अगर हम 40,000 की रेंज के अंदर ही खेलेंगे ना तो हमारे यूजर्स जो है ना वो ज्यादा और ज्यादा बनेंगे और ज्यादा अच्छी सेल्स को कैच कर पाते हैं। तो यहां से कुछ 40-45,000 से ऊपर ये डिवाइस नहीं जाने वाली। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये डिवाइस कब तक पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च की जाएगी। तो भाई ये डिवाइस तकरीबन 2 से 2.5 महीने के बाद पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च की जाएगी, क्योंकि अभी इसका प्रोटोटाइप मॉडल आया है, इसकी लॉन्चिंग वगैरह कंफर्म नहीं हुई, अभी इसके कोई भी बैनर्स वगैरह यहां पे हमें देखने को नहीं मिले। इसका मतलब है कि अभी कंपनी इसके ऊपर और काम कर रही है, इसके इंप्रूवमेंट्स में जो है वर्क जारी है, इसको चेक कर रही है कि एक्चुअल में फाइनल लुक क्या निकल के आती है, उसके बारे में भी हम एक डायरेक्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी सिर्फ प्रोटोटाइप मॉडल लीक हुआ है, इसका मतलब है कि अभी कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है, बहुत सारे टेस्टिंग वगैरह जारी है, जिसकी वजह से ये डिवाइस अभी तो पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च नहीं की जाएगी। इसके अलावा भी किसी और मार्केट के अंदर अभी तक लॉन्च नहीं की जाएगी ये डिवाइस, तो 2 से 2.5 महीने के बाद कहीं ये डिवाइस आप लोगों को पाकिस्तान के मार्केट में देखने को मिलेगी। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे मैं हूं मोहसिन नकवी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।